नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं भारत के चंद्रयान मिशनों के बारे में, स्टार्ट से लेकर एंड तक की पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2003 को पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा की गई थी। इसरो के द्वारा सर्वप्रथम 22 अक्टूबर 2008 को पीएसएलवी C11 के द्वारा चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था। चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा के चारों ओर घूमकर ही उसके वातावरण के बारे में जानकारी का पता लगाया, जैसे कि वहाँ पे बर्फ़ के अणु क्रेटरों के अंदर बर्फ जमी हुई थी कई अरबों वर्षों से। मतलब वहाँ पे पहले पानी था पर अब मतलब वो बर्फ़ के रूप में बदल गया, और वहाँ पे सौर मंडल के भी साक्ष्य मिले, और वहाँ के जैसे कि रासायनिक तत्वों के बारे में मतलब कि यहाँ पे उपलब्ध है उनके बारे में जानकारी प्राप्त की गई थी। भारत का चंद्रयान फर्स्ट जो सफल हुआ, फिर इसको देखते हुए भारत ने वर्ष 2019 में 22 जुलाई को GSLV मार्क 3 के द्वारा एक चंद्रयान मिशन दोबारा भेजा, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, पर ये आंशिक रूप से विफल रहा क्योंकि लैंडर और रोवर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे। फिर भी भारत ने हार नहीं मानी और वर्ष 2023 में 14 जुलाई को हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, जिसमें मतलब उसको उसी जगह पे जैसे कि 70 डिग्री अक्षांश पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का उद्देश्य है। और यदि यह दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाता है तो यह भारत विश्व का पहला देश बन जाएगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि भारत ही चंद्रयान मिशन भेजने वाला पहला देश है, पहले भी इससे पहले भी जैसे कि रूस, चीन और अमेरिका चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं, पर वो भूमध्य रेखा के आसपास जैसे उत्तर या दक्षिण में ही लैंडिंग करा पाए हैं, वो दक्षिण या उत्तर ध्रुव में लैंडिंग नहीं करा पाए। जैसे कि भूमध्य रेखा पर ही लैंडिंग क्यों कराते हैं और देशों के द्वारा, जैसे और क्षेत्र जैसे उत्तरी ध्रुव हुआ, दक्षिणी ध्रुव, वो उस क्षेत्र पर लैंडिंग क्यों नहीं करा पाए? भूमध्य रेखा पर एक तो लैंडिंग कराना आसान है क्योंकि वहाँ पर एक क्रेटर या पहाड़ी इलाका नहीं है, ढलान नहीं है, वहाँ पर एक एकदम समतल एरिया है। जैसे कि इसके विपरीत हम बात करें तो जैसे कि दक्षिणी ध्रुव पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में क्रेटर पाए जाते हैं और पहाड़ी वाला, ऊंच नीच वाला, ढलान वाला एरिया है जहाँ पे लैंडिंग कराना बिल्कुल आसान नहीं है। और जैसे कि वहाँ पे तापमान भी -230 डिग्री पाया जाता है, वहाँ पे अरबों वर्षों से बर्फ मतलब जल बर्फ के रूप में जमा हुआ है। यहाँ पे कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पे मतलब सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुँच पाता। वो क्यों नहीं पहुँच पाता? क्योंकि पृथ्वी तो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी है, जिस कारण से सूर्य का प्रकाश पूरी पृथ्वी पे हर हिस्से पे चला जाता है, पर चंद्रमा पे ऐसा नहीं है क्योंकि वह अपने अक्ष पे 1.5 डिग्री झुका हुआ है। इस कारण से वहाँ पे मतलब पूर्ण तरीके से प्रकाश नहीं जा पाता और वहाँ पे जैसे कि मशीनों का संचालन करना भी बहुत ही ज़्यादा कठिन है क्योंकि सूर्य के प्रकाश से उनको रोशनी नहीं मिल पाएगी, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। और ऊंचा नीचा एरिया वैसे है तो वहाँ पे सही तरीके से मशीनें वगैरह भी, उपकरण वगैरह भी काम नहीं कर पाएंगे। पर भारत बिल्कुल इसमें हार नहीं मानने वाला है क्योंकि 2019 में जो चंद्रयान सेकंड भेजा था वो असफल रहा। उसकी कमियों को दूर करते हुए भारत ने हाल ही में 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 भेजा, जिसमें मतलब कि जो कमियां थी चंद्रयान 2 की वो पूरी तरीके से पूर्ण की गई और चंद्रयान 3 मिशन को LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, जो 23-24 अगस्त तक वह चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा। इसका वजन लगभग 3900 kg यानी कि मतलब लगभग 4 टन है। और जैसे कि इसमें 3 मॉड्यूल हैं, प्रमोदक, लैंडर और रोवर। इसमें अब की बार ऑर्बिटर नहीं लगाया गया क्योंकि जो 2019 में चंद्रयान सेकंड भेजा था उसका ऑर्बिटर अभी तक भी हमें काम मतलब सही तरीके से काम कर रहा है, तो अब की बार उसको ही यूज लेंगे। और यह है जहाँ तक मतलब ये मिशन सक्सेस होगा। तो आप इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे कि मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि यह है रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है कैसे इसके मतलब क्या क्या उपकरण यूज़ में लिए जाते हैं। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही।